भारतीय किसान संघ ने अपनी जायज मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार नितिन चौधरी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से भारतीय किसान संघ का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख की जाए, क्योंकि आज की स्थिति में लोहा गिट्टी सीमेंट के दाम 3 से 2 गुना बढ़ चुके हैं, जिसके कारण हितग्राहियों को मकान बनाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के कृषि उत्पाद का लाभकारी मूल्य दिया जाए एवं धान का रेट 4,850 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। वर्ष 2021 में समर्थन मूल्य पर किसानों का धान खरीदा गया है, इसमें 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की राशि शासन द्वारा दी जाए। बालाघाट जिले में गांव में ठेकेदार द्वारा शराब बेची जा रही है, जो समाज के लिए हानिकारक है, जिस पर तत्काल रोक लगाई जाए। बालाघाट जिले के अंदर बाजार, ठेकेदार एवं ग्राम पंचायत के द्वारा व्यापारियों से अधिक राशि वसूली की जाती है, जो नियम के विरुद्ध है, जिस पर तत्काल रोक लगाई जाए। ब्लॉक परसवाड़ा अंतर्गत झांझ घोघरा नाहरा नदी पर बांध बनाकर विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाए, जिससे क्षेत्र के हजारों किसान लाभान्वित होकर कृषि उत्पाद में बढ़ोतरी कर सके। अपनी इन्हीं जायज मांगों को लेकर बुधवार भारतीय किसान संघ ने तहसीलदार नितिन चौधरी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर भारतीय किसान संघ जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद चावले, नीलकंठ कुशले, सुशील ब्रह्मे, रोहित गोलवे, रामकिशोर क्षीरसागर, राग सिंह तेकाम, भोलाराम शरणागत, उदय चंद बिसेन, सीताराम हरिनखेड़े, छत्रपाल बिसेन, खेलन सहारे, रामप्रसाद जामने, ब्रजलाल पटले, गौरीशंकर चौधरी, फूलचंद पारधी, शिवराम भगत सहित किसानों की मौजूदगी रही। परसवाड़ा में R9 भारत के संवाददाता वेदांत बिसेन की रिपोर्ट।